एक्सीलेंट है, थैंक यू। Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो जनाब, बच्चे दोनों मेरे स्कूल जा चुके हैं और फिर नाश्ते के बाद मैं किचन में आई और मुझे लंच बनाना था। तो ये नाश्ते में मैंने मूंग दाल बनाई थी, तो मैं सोच रही थी कि इसी को यूटिलाइज़ करूं। ये काफ़ी सारी बच गई थी, तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ देर पहले ही नाश्ते के साथ साथ ना ये चने की दाल थोड़ी सी भिगो के रखी थी। एक कप है ये तकरीबन, दैट इज़ अराउंड लाइक 200 ग्राम्स। तो ये भिगो दी थी मैंने। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी और चंद खतरे तेल के डालकर गला लूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ जी सबके लिए सिंधी दाल पकवान। ये एक सिंधी डिश है जो सिंधी लोग बनाते हैं और हमारे यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं बनती। ये जो है ना प्योर वेजिटेरियन डिश है और हम ठहरे जी ठेठ हैदराबादी नॉन वेजिटेरियन। तो ये पहली दफ़ा मैं बना रही थी, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको व्लॉग में। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं शूट मैंने नहीं किया, क्योंकि ये मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो यहाँ जनाब दाल गल गई थी, तब मैंने कुकर को खोला। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की। नॉर्मल मिर्च नहीं, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ही डलती है। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया इसमें, और इसको सॉफ्ट होने के लिए मैंने थोड़ी देर और पका लिया। इसको ऐसे ही रखना है, और जो है ना आपने बिल्कुल भी इसमें जो है ना इसको मैश नहीं करना है, इसके दाने ऐसे ही रखना है। और लास्ट में मैंने, क्योंकि एक्चुअली इसमें पड़ता है जी आमचूर का पाउडर, मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया था। अब दूसरे पतीले में मैं यहाँ पर घी ले लूँगी और फिर हम तड़का लगा। इस पतीले में मैंने घी के साथ साथ थोड़ा सा तेल भी ऐड कर लिया, और जब घी और तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तब मैंने चूल्हा बंद करके इसमें ज़ीरा ऐड किया, ताकि मेरा ज़ीरा जो है जले नहीं। और क्योंकि यूजुअली यू नो जब लोग तड़का लगाते हैं, इनफैक्ट मैं ख़ुद जब शुरू मैंने किया था कुकिंग मेरी अर्ली डेज़ में, तो मुझसे भी ये हो जाता था कि यू नो तड़का जल जाता था। तो इट रियली टर्न्स यू ऑफ़ कि जब आप तड़का जला हुआ देखें। तो अब मैं यही करती हूँ कि जैसे ही तेल और घी गर्म होता है, तो मैं जो है चूल्हा बंद कर देती हूँ, और फिर उसके बाद ही तड़के की सारी चीज़ें डालती हूँ, तो वो जलता नहीं है। तो यहाँ मैं एक्चुअली भूल गई थी, मैंने थोड़े से जो है ना लहसुन भी बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, लेकिन इस वक्त मैं भूल गई थी, तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट कर लिया था, डाइस कर लिया था, तो वो भी मैं इसको ऐड कर लूँगी। और ये कब ऐड करना है, जब हल्का सा जो है ना ज़ीरे का कलर जो है चेंज हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आप इमीडिएटली प्याज इसमें ऐड करें। और प्याज को जलाना नहीं है, उसको ब्राउन भी नहीं करना है, उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट यानी कि थोड़ी सी नरम जब वो हो जाती है ना, सॉफ्ट होने लगती है, तब उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है आपको। जैसे दाल आगे हम ऐड करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी आपको डार्क नहीं होने देना है प्याज को। तो इसके बाद चलें जी मैं प्याज ऐड करती हूँ।
और इसके साथ ही जनाब जब थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया। धनिया का पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। और सारी चीज़ें मैंने अंदाजे से डाली थी तो इसीलिए मैं भी क्वांटिटी नहीं बता रही। मैंने 1 to 1.5 टीस्पून के आसपास सारी चीज़ें धनिया और ज़ीरा का पाउडर डाला था। फिर मैं नमक और मैंने हल्दी भी शामिल कर लिया, साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर जो नॉर्मल होता है वो भी ऐड कर लिया। और यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, इसी वक्त मुझे याद आया कि मैंने जो है ना इसमें लहसुन ऐड नहीं किया, तो उसके बाद आप आगे के क्लिप में देखेंगे कि मैं भूल गई थी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जो लहसुन हम तड़के में डालते हैं ना उसकी खुशबू ही अलग होती है, वो अच्छे से रच बस जाती है सालन में या दाल में। तो कोई नहीं, बाद में ऐड कर लिया। तो फाइनली क्या हुआ कि टेस्ट जो था बहुत बढ़िया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये इंशाल्लाह ये डिश मैं दोबारा बनाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत लगी कि एक तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये ना मुझे ऐसा लगा कि मैं बिरयानी जल्दी बना देती हूँ, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बनती नहीं है जल्दी जल्दी जो वेजिटेरियन होती हैं। खैर वेजिटेरियन खाने में कोई बुराई नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन बनती नहीं है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इट्स वर्थ पेशेंस एंड वर्थ एफर्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और फिर जनाब इस पॉइंट पर आप ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट, जो भी आप कहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों भी नहीं थे और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसी चॉपर में फिर जो है 2 से 3 टमाटर अच्छी तरह से चॉप कर दिया ताकि वो ऑलमोस्ट पेस्ट जैसे ही बन जाएँ। और वैसे भी मुझे पेस्ट नहीं चाहिए था, एक्चुअल रेसिपी में तो पेस्ट ही है, पेस्ट या प्यूरी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको रखते हैं, इसकी बाइट बरकरार रखते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्सचर बरकरार रखते हैं तो शायद टेस्ट अच्छा आएगा, और मुझे वो ऐसे ही अच्छा लगा। और जनाब इसी पॉइंट पे मुझे याद आया कि मैं लहसुन डालना भूल गई थी और फिर मैंने इसमें लहसुन ऐड कर लिया और काफ़ी देर तक मैंने इसको भूना ताकि उसकी खुशबू और उसका टेस्ट इसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। और फिर जी सारी चीज़ों की अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने जो चना दाल गला के रखी थी वो ऐड करूँगी, साथ ही मैंने जो सुबह को बनाई थी मूंग दाल वो भी ऐड कर लूँगी। और फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छा जी, अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जी 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, जो कि फ्रेश होममेड गरम मसाला पाउडर है। उसको दोबारा से मिक्स करके मैंने साइड में रख देना है कुछ देर के लिए। अब हम बनाएंगे जी पकवान। ये तो बन गई थी दाल, अब इसके लिए बनाना है जी पकवान। पकवान क्या है, वो पूरी टाइप है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी पूरी होती है, जैसे पापड़ नहीं होता उस तरह से। तो अब इसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ लिया जी मैंने 1/2 kilo जो है मैदा, और उसमें मैं ऐड करूँगी जी इस तरह से पाम्स में मैं क्रश कर लूँगी 1 से 1.5 teaspoon मैंने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा, और उसको क्रश करके डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी ले लिया और अजवाइन को भी मैं पाम्स के बीच में क्रश करके डालूँगी। और फिर उसमें मैं ऐड करूँगी जी सॉल्ट टू टेस्ट, और थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा जो है तेल, जैसे हम समोसों का आटा मिलाते हैं ना उसी तरह से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड भी नहीं। जैसे समोसों का आटा तो थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना हार्ड भी मत कीजिएगा, मतलब इट शुड बी प्लायबल, इजी टू वर्क ऑन, बहुत आसानी से आप बेल पाएँ, इस तरह से होना चाहिए, प्रेशर ना डालना पड़े। जैसे यूजुअली होता है कि हम समोसे का आटा भिगाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और जब हम इसको जब बेलते हैं तो वो बेलते वक्त प्रेशर डालना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। ये पूरी की तरह होना चाहिए, और पहले मैं इसको देखें यहाँ पे घी और तेल मिक्स कर रही हूँ सारा कुछ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऑयल सॉरी पानी डालूंगी। पानी बिल्कुल देखकर आपने डालना है, हाथ थोड़ा सा रोक के, गो अ लिटल ईजी ऑन द वाटर कंटेंट, वाटर जो भी आप डाल रहे हैं थोड़ा सा कम डालें, ज़्यादा आपको बिल्कुल चिपचिपा आटा नहीं चाहिए। तो भाई आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया था, और फिर तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटे के लिए मैंने उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था।
अच्छा, फिर दाल में मैंने पता क्या किया कि एक टेबलस्पून के आसपास इसमें बटर यानी कि मक्खन भी डाल दिया, ताकि इसमें बहुत ही बटरी क्रीमी सा जो है टेक्सचर और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। दाल में मक्खन तो मैंने डाल दिया है, लेकिन दाल में तड़का ना हो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ एक पैन में मैंने जो है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसको गर्म होने दूंगी, और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा मैं इसमें शामिल करूंगी जी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और जब ज़ीरा क्रैकल होने लगेगा तो चूल्हा बंद करके मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। आई नो टू मैनी स्टेप्स है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बना था। कुछ लोग ये भी मेरे घर में बोल रहे थे कि ये तो चाट से भी बहुत मज़े का है, जो चाट हम नहीं खाते ठेले पे या शॉप्स में, उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये घर में बना है, बहुत ही प्यार से बना है और हाइजीनिक तरीके से बना है। तो यहाँ मैं देखें आप रेड कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, और उसके बाद इसमें मैं दाल में जो है तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद जनाब मैंने जो आटा गूंद के रखा था ना, उसके छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए, उसको पूरी की साइज़ में बेल लिया। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, उससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक फोक की मदद से इस तरह से मैंने इसमें जो है पोक कर लिया, ताकि ये तलने के टाइम पर फूले नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेना है आपने एक पैन, पैन में तेल डालना है, तेल को गरम करना है, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को लो कर दें, और इसमें जो है पूरी डालकर आपने तलना है। पूरी नहीं, ये पकवान है, इसको पकवान कहते हैं, तो इसको बहुत ही लो फ्लेम में आपने तलना है, ताकि ये फूले नहीं और सॉफ्ट नहीं हो। क्योंकि जब लो फ्लेम पर हम तलेंगे तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, हमें क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए पकवान। और जो है इसको कढ़ाई में नहीं तलिएगा, इसको पैन में ही तलिएगा, क्योंकि कढ़ाई में फिर फूलने का डर होता है। अच्छा, फिर इसको अच्छे से तल के मैं निकालूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंस इज़ द की। तो यहाँ पर मैं जब ये रेडी हो चुका था, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया था, तो टोंग्स की मदद से मैंने इसको निकाल लिया, और थोड़ी देर के लिए मैं ना इस तरह से इसको सारा जो तेल है इसका ड्रेन आउट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप किचन टॉवल या टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे ये एक दो तीन तैयार हो रहे थे, तब उसी वक्त मैंने इसको जो पकवान है उसको तोड़ा, और उसको फिर मैंने इस तरह से असेंबल करना शुरू किया, क्योंकि ये सॉगी हो जाते हैं ज़्यादा देर तक अगर आप रखो। तो मैं बारी बारी सबको देती जा रही थी, तो यहाँ पर मैं सारा कुछ तोड़ लूँगी, और गरम गरम पकवान पर यहाँ मैं गरम गरम दाल ऊपर से डालूँगी, और उसके बाद हम इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। और सबसे पहले मैंने अम्मी को दिया था सर्व करके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे आप देखेंगे अम्मी के रिएक्शंस, उनको बहुत पसंद आया। सिर्फ अम्मी को ही नहीं बल्कि सबको घर में बहुत पसंद आया, और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी, दोबारा से ये बनाऊँगी घर में, क्योंकि सबको ऑब्वियसली पसंद आया तो जो है मेहनत करना दोबारा बनता तो है। जब के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, डू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। एक्सेलेंट है, थैंक यू। वो नीचे से पापड़ के जैसा जो है ना, उसको पकवान बोलते हैं। अच्छा, तो वो लेके खाइए, बहुत अच्छा। यू वांट? वाकई अच्छा, अलहमदुलिल्लाह।